हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड, आज सुबह सुबह मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं बाग में आई हूँ और इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो देख सकते हैं बाग का लोकेशन आप सभी को दिखा रही हूँ। बाग का लोकेशन मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था इसलिए मैं बना रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग यहाँ का लोकेशन। और जो कि एकदम सुबह है और सुबह एकदम ज़्यादा सुबह सुबह अभी 7 बज रहा है। नहीं, मैं उठी हूँ और 2 दिन से हम लोग खाना नहीं खाए हैं। हम और हमारे हस्बैंड की 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं क्योंकि हमारे घर वाले इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि क्या बताएं। और 2 दिन से खाना भी नहीं खाए हैं। और बात यह है कि हम प्रेग्नेंट हैं, गाइस देख सकते हैं आप लोग, और हम प्रेग्नेंट हैं और हम लोग लव मैरिज शादी किए हैं। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। अच्छा क्या चल रहा था, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। ऐसे सब लोग बोलते थे, कुछ ना कोई बात बोलते थे, ऐसे बोली बसेड़ी, ऐसे कहीं मेरी सास बोलती थी, कहीं मेरा ससुर मारने उठता था, कहीं मेरी जेठानी, ऐसे सब लोग बोलते थे तो हम बर्दाश्त करते थे कि चलो जाने तो छोड़ो। लेकिन अब हम प्रेग्नेंट हैं और 4 दिन से हमारा पेट इतना ज़्यादा झर रहा था, इतना ज़्यादा हम पेट से बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे तो काम नहीं कर पा रहे थे। फिर भी जो करने लायक काम था वो करते थे, बर्तन नहीं माँज पाते थे, आटा नहीं सान पाते थे, ये सब काम नहीं कर पाते थे। उसके लिए सब लोग मुझसे झगड़ा किए और मेरे हस्बैंड जी जब भी ये लोग बोलते थे तो मेरे हस्बैंड जी मुझे मार भी देते थे। तो परसों से मेरे हस्बैंड जी मुझे नहीं मारे हैं बल्कि मेरे ही तरफ से लड़ रहे थे अपने घर वालों से। मेरे घर वालों का कहना है कि तुम अपनी बीवी की तरफ से क्यों लड़ रहे हो। उन लोग का कहना है कि अगर हम बोले तो वो अपनी बीवी को मारे, तो इसलिए हमारे हस्बैंड जी हमारे तरफ से लड़ दिए हैं। तो इसीलिए हमारे सभी घर वाले एक तरफ हो गए हैं और हमें और हमारे हस्बैंड जी को एक तरफ कर दिए हैं। तो अभी तो कुछ खाए पिए नहीं हैं, वीडियो में से बने रहिएगा। अभी चलते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं क्योंकि शाम को गए थे तो चावल वावल कुछ भी, चावल आटा कुछ भी नहीं है, बस आलू लेकर आए हैं और मटर लेकर आए हैं। तो उसी को चलते हैं, कचालू वचालू बना के खाएंगे, क्या करेंगे। और बताइए, हम प्रेग्नेंट हैं और प्रेग्नेंट हालत में हम अगर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो हमें और हमारे बच्चे पे कितना बड़ा असर पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गाइस। बस रोड आ रहा है और कुछ नहीं। हमारे मायके में कोई नहीं सपोर्ट करने वाला है क्या? लंबे बाय बाय दोस्त।